नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कमल नंदाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी के स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन में वेलकम करता हूं। आज मंडे का दिन है, तारीख है 3 दिसंबर 2018। उस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण ग्यारस पर उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। उत्पत्ति से निर्मित उत्पन्ना शब्द का अर्थ है किसी चीज का जन्म लेना या बर्थ लेना। पद्म पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद के अनुसार जब सतयुग में मुरुदैत्य के हाथों हारे देवगणों ने हरि की शरण जाकर उनसे सहायता मांगी थी, जिस पर श्री हरि ने मुरुदैत्य की सेना पर आक्रमण करके सैकड़ों दैत्यों का वध करके बद्रिका आश्रम के सिंहवती गुफा में निद्रा लीन हो गए हरि। मुरुदैत्य ने श्री हरि के वध हेतु जैसे ही सिंहवती गुफा में प्रवेश किया, वैसे ही श्री हरि से उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लैस रूपवती कन्या ने अपनी एक हुंकार से मुरुदैत्य को भस्म कर दिया। प्रसन्न चित्र हरि ने एकादशी नामक उस कन्या को मनोवांछित वरदान देकर अपनी प्रिय अतिथि घोषित किया। इसी उत्पत्ति से इस एकादशी को उत्पन्ना कहते हैं। इस दिन श्री हरि के विशेष पूजा से जीवन में वैभव आता है, अशांति से मुक्ति मिलती है और पारिवारिक कलह समाप्त होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं स्पेशल पूजन विधि के बारे में। घर की नॉर्थ डायरेक्शन में सफेद कपड़ा बिछा लीजिए। पीतल के कलश में जल, दूध, सुपारी, तिल और सिक्के डालकर कलश के मुंह पर अशोक के पत्ते रखकर नारियल रख दीजिए। साथ ही श्री हरि का चित्र रखकर विधिवत पूजन कीजिए। गाय के घी का दीपक कीजिए, चंदन की धूप कीजिए, चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, मखाने की खीर का भोग लगाइए और 11 केले चढ़ाइए तथा तुलसी की माला से इस विशेष मंत्र का एक माला जाप जरूर कीजिए। पूजा के बाद भोग किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:05 से लेकर 11:05 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:10 से लेकर शाम को 6:10 तक। विष्णु पूजन मंत्र है ओम मुरा राते नमः। आज के ये स्पेशल टोटके आपको देंगे पारिवारिक कलह से मुक्ति और होगी मानसिक शांति। छू मंत्र होगी आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम, जिससे मिलेगा वैभवशाली जीवन आपको। आइए जानते हैं कैसे। मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि पर शतावरी चढ़ाएं। पारिवारिक कलह से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि पर रात रानी की अगरबत्ती से धूप कीजिए। वैभवशाली जीवन के लिए श्री हरि पर चढ़े सफेद चंदन से मस्तक पर तिलक कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे पाएं गुड लक के साथ एजुकेशन और प्रोफेशन में सक्सेस, कैसे टलेगा विवाद और कैसे होगा हानि से बचाव, कैसे फैमिली और लव में मिलेगी खुशियां आप। आइए जानते हैं। गुड लक के लिए दूध में तिल मिलाकर नारायण को अर्पित करें। विवाद टालने के लिए कपूर से तिल जलाकर श्री हरि की आरती करें। नुकसान से बचने के लिए सफेद धागे में पिरोए 12 मखाने नारायण पर चढ़ाएं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भोजपत्र पर चंदन से श्री धन लिखकर नारायण पर चढ़ा दीजिए। एजुकेशन में सक्सेस के लिए सफेद चंदन की माला से ओम बद्रायणाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। फैमिली हैप्पीनेस के लिए दंपत्ति यानी कि पति पत्नी भगवान विष्णु पर 7 मोगरे के फूल चढ़ाएं। लव लाइफ में सक्सेस के लिए भगवान विष्णु पर चढ़े 5 कमलगट्टे किसी जल कुंड में फेंक दीजिए। तो फ्रेंड्स, किस्मत जंक्शन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें मैं दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन और देखेंगे किस्मत जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म देगा आपको सक्सेस का सिग्नल। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।